हेलो एवरीवन, जब घर पर कोई सब्जी ना हो तो एकदम बेस्ट ये सब्जी आप बनाकर सभी को खिलाकर आप वाहवा भी पा सकते हो, और साथ में ये प्रोटीन से भरपूर है और बहुत सारे गुणों से भी भरपूर है। आप इसे टिफिन में भी दोगे तो टिफिन भी पूरा चट मिलेगा, और बिना तान जान किए तो हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। देखने में एकदम सिंपल है पर खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है। बच्चे बड़े सभी खाएंगे। खास टिप्स और ट्रिक के साथ बनाते हैं हमारे ये बेसन की सब्जी। यहाँ पर मैंने ये थोड़े से ड्रम स्टिक, गुजराती में सरगवाना सींग, इसे हमने अच्छे से काट कर ऊपर के सारे छिलके हटा दिए हैं, और इसे हम धोकर 60% तक बॉईल कर देंगे। एक साइड मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर ये बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ले सकते हो, और एक ग्लास पानी लेकर हम इसका अच्छे से घोल बना लेंगे। इसमें कोई गुठली ना रहे उस बात का हमें खास ख्याल रखना है। एक बाजू कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और एक चम्मच मैंने हरी मिर्च की पेस्ट ले ली है। यहाँ पर गैस की आंच को एकदम धीमा कर देंगे। 10 से 15 कड़ी पत्ता भी ले लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर बेसन वाला घोल हम ये कढ़ाई में ऐड कर देंगे। गैस की आंच को एकदम धीमा कर दिया है, जिसमें हमने घोल बनाया था उसमें फिर से हमने आधा ग्लास पानी डालकर ये बेसन वाले घोल में मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रहे ये साइड से चिपके ना, उस बात का खास ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली है ना, इसके लिए चिपकने का डर रहता है। यहाँ पर जो हमारी ये ड्रम स्टिक बॉईल की हुई है, इसे भी हम बेसन के साथ पका लेंगे। अगर हम इसे थोड़ी सी मतलब कि पार बॉईल रखते हैं ना, तो इसे बच्चे नहीं खाते, तो हम इसको है ना बच्चे भी खा ले और एकदम अच्छे से बेसन के साथ मैश करते हुए पका देंगे, ताकि हमारे ये ड्रम स्टिक के फायदे बच्चों को भी मिल जाए, वरना बच्चे है ना इसको साइड में हटा देते हैं। इसको मैंने अच्छे से मैशी होने तक पका लिया है। आखिर में इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नींबू का रस डालना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, एकदम गर्मा गर्म बेसन वाली ये सब्जी अगर आप टिफिन में दोगे तो किसे खाना पसंद नहीं होगा भाई। मुझे तो ऑल टाइम फेवरेट पसंद है ऐसी एकदम सिंपल वाली रेसिपी, और साथ में प्रोटीन का खजाना। भाई इसे आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे मैंने कहा ना, नींबू का रस और हरा धनिया भी थोड़ा ले लीजिए। आज की ये रेसिपी थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ।